कच्चे तेल को लेकर अमेरिका रूस में फिर से भयंकर टक्कर, लेकिन एक बार फिर से भारत ने मार दिया मौके पर चौका। अमेरिका ने एक के बाद एक ठोक दिए भयंकर प्रतिबंध। इधर भारत को रूस फिर से दे सकता है कौड़ियों के भाव तेल। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है। वास्तव में देखें तो इस वक्त रूस और अमेरिका कच्चे तेल को लेकर भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और देखा जाए तो 2 साल पहले हुई शुरू कच्चे तेल की जंग अब और ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 2 साल पहले अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि रूस अब पश्चिमी देशों को तेल नहीं बेच पाएगा। दरअसल आसान भाषा में कहें तो ये प्रतिबंध असल में रूस पर नहीं बल्कि उन देशों पर हैं जो अमेरिका की धौंस के आगे भीगी बिल्ली बने रहते हैं। यानी किसी भी देश ने जिन पर अमेरिका की चौधराहट चलती है, उन्होंने रूस से तेल खरीदा तो फिर अमेरिका उस देश से व्यापारिक, इकोनॉमिक और तकनीकी हेल्प बंद कर देता है। बाकी देशों से भी कहता है कि उस देश से दूरी बनाई जाए। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा किसी देश के साथ होता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि जब अमेरिका ने रूस पर इन प्रतिबंधों का ऐलान किया तब किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रूस से तेल खरीदने की हिम्मत दिखा पाए। वो भी तब जब रूस ने बेहद ही सस्ता और तेल ऑफर कर दिया था ताकि कुछ पैसे आए और युद्धग्रस्त रूस की कुछ मदद हो पाए। दोस्तों, तब भारत ने रूस से जबरदस्त तरीके से तेल खरीदा, और वो भी इतना कि भारत से संभले नहीं संभला। इतना तेल खरीदा कि भारत ने पश्चिम देशों को इस तेल का निर्यात तक कर दिया। तमाम मीडिया हाउसेस में ये खबरें भी छपी थी। हालांकि बाद में रूस ने तेल की कीमतों को थोड़ा सा बढ़ाया, जिसके बाद भारत ने यूएई, कतर और सऊदी से फिर से तेल खरीदने का फैसला किया। लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से पलट चुकी है। अमेरिका ने रूस पर और ज्यादा बैन ठोक दिए हैं, जिसके बाद रूस एक बार फिर से भारत की तरफ देख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने रूस से एक बार फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया होगा, लेकिन नहीं, भारत फिलहाल अमेरिका से ही तेल खरीद रहा है, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत इसे जारी रखने वाला है। इस खबर के साथ ही एक और ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत को बड़ी गुड न्यूज दी। दरअसल रूस अब पहले से भी ज्यादा बड़े डिस्काउंट पर भारत को तेल दे सकता है, और ये डिस्काउंट इतना ज्यादा बड़ा होगा जो आपकी सोच से परे होगा। यानी कौड़ियों के भाव भारत रूस से तेल खरीदने वाला है। अब पूरी खबर क्या है ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिका ने रूस पर लगाए 500 नए प्रतिबंध। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में रूस के खिलाफ करीब 500 नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ये नए प्रतिबंध लगाने की वजह क्या थी? तो दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सरकार की ओर से रूस के करीब 100 फर्मों और व्यक्तियों को निशाना बनाया गया था। पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के पीछे की वजह नवलनी की हत्या और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बताया गया। नवलनी रूस के मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर आलोचक थे। हाल ही में उनकी रहस्यमय तरीके से स्थिति में आर्कटिक दंड शिविर में मृत्यु हो गई। अमेरिका के नए प्रतिबंधों का ऐलान होने के बाद भारत ने भी रूस को झटका देते हुए रूस से तेल लेने से इनकार कर दिया। भारत के सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण PJSC 100 कॉम्फ्लोट टैंकर्स पर ले जाए जाने वाले रूसी कच्चे तेल को लेने से इनकार कर दिया। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स की संचालक है, वो भी हाल के अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए शिपर 100 कॉम्फ्लोट की ओर से संचालित टैंकर्स पर लदे रूसी तेल को नहीं खरीदेगी। भारत ने रूस से दोस्ती इससे पहले निभाई थी। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस से व्यापार करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से रूसी कंपनियां भारत को काफी सस्ते में तेल उपलब्ध करा रही थी। इस दौरान पश्चिमी देशों ने भारत को कई बार रूस के साथ व्यापार नहीं करने के लिए धमकाया भी था। इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ बिजनेस करना जारी रखा। हालांकि दोस्तों, रूस एक बार फिर से भारत को सस्ता तेल ऑफर करने का ऐलान कर सकता है। अमेरिका और रूस के बीच तेल को लेकर फिर से शुरू हुई जंग। अमेरिका ने इस बार पहले से ज्यादा कठोर प्रतिबंध रूस पर लगाए। रूस एक बार फिर से दे सकता है भारत को सस्ते तेल का ऑफर। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं और अब एक बार फिर से इस युद्ध में ट्विस्ट आ गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की घेराबंदी करने में जुटे अमेरिका ने तेल को लेकर रूस पर नए प्रतिबंध ठोंक दिए हैं। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन पर ये एक तरह से एक बड़ा झटका है। इससे तेल के व्यापार को लेकर पुतिन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रूस से रिकॉर्ड पैमाने पर तेल खरीदने वाले भारत पर भी कुछ हद तक प्रतिबंधों की मार पड़ी है। दूसरी तरफ रूस भी भारत को दिए जाने वाले तेल की कीमतों पर कुछ हद तक बढ़ा चुका था।
यही कारण है कि भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया था। अगले महीने यानी कि अप्रैल में 2,50,000 बैरल कच्चा तेल अमेरिका से भारत पहुंचने जा रहा है। यह पिछले एक साल में अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल की खरीदी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातकर्ता और उपभोक्ता है। बताया जा रहा है कि सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों की मार को देखते हुए भारत तेल आयात को लेकर रूस के अलावा भी बाकी देशों की तरफ देख रहा है। इससे जहां रूस से तेल निर्यात पर असर पड़ सकता है, वहीं अमेरिका का बंपर मुनाफा भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूसी तेल का बड़ा खरीदार था। ये भी तब जब पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण अन्य देशों ने रूस से किनारा कर लिया था। पिछले महीने अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए अपने प्रतिबंध को और ज्यादा सख्त किया है। अमेरिका ने रूस की शिपिंग फर्म सोवकोम फ्लोट और 14 अन्य क्रूड ऑयल टैंकर्स पर भी प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है। इससे दिक्कत ये हुई कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाने वाली कंपनी रिलायंस ने सोवकोम फ्लोट के तेल से किनारा कर लिया है। इससे रूस और भारत दोनों प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन इससे भारत को बड़ा फायदा भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को अब भारत को ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ सकता है ताकि भारत उससे तेल खरीदना जारी रखे। भारत रूस पर दबाव बना सकता है कि वो समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले तेल को $60 में ही दे, जो G7 देशों में दाम तय किए गए हैं। इससे भारत को तो फायदा होगा ही, लेकिन रूस को घाटा जरूर होगा, जो अभी ज्यादा दाम पर तेल बेच रहा है। धन्यवाद।